नमस्कार और जय हिंद स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर संजीदा और फेसबुक पेज लर्न इंग्लिश पे आज का वीडियो बनने वाला है असमिया भाषा उन्नति सदनी सभा क्लास टेन हिस्ट्री फोर और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असम टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो तो शुरू करते हैं वीडियो को बाय द मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी असम विटनेस द ग्रोथ ऑफ़ न्यूली इमर्ज एजुकेटेड असामिस मिडिल क्लास एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वॉज द ग्रोथ ऑफ नेशनल अवेयरनेस 19वीं सदी के बीच अर्थात जब ब्रिटिश भारत में पूरी तरह अपना पावर फैला चुका था तो बंगाल में आकर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने काम के लिए बंगाली लोगों के बीच में इन वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन दिया उनको शिक्षित बनाया बनाने के बाद उनको अपने काम में यूज़ किया और धीरे 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 क्योंकि अंग्रेज़ी और अंग्रेजी प्रथा उनके कल्चर उनके पहनावा उनके खान पान उनका सब कुछ कल भी आकर्षित करता था आज भी आकर्षित करता हम लोगों को हम इंडियंस तब भी उनके कल्चर और भाषा के प्रति आकर्षित थे तो इसी आकर्षण को लेकर इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ को उन्होंने अपने जाल में रखा और जब आसाम में इसकी बारी आई डेवलपमेंट के लिए और आसाम के रिसोर्स को यूटिलाइजेशन के लिए तो इन्होंने बंगाल के जो इंडियन बंगालीज़ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको असम में लाया असम में लाने के बाद उनके प्रति असामिस लोगों का एक आकर्षण बढ़ने लगा ये ब्रिटिश कल्चर ब्रिटिश लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज बंगाली कल्चर के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा जिसका इफेक्ट असामिस कल्चर और असामिस भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा लेकिन मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी में असम के लोगों के बीच में अचानक एक राष्ट्रता और एकता और एक, एक नई हवा चलने लगी जिसके कारण आसामी लोग अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़े तो आ, एक सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट था नेशनल अवेयरनेस का एज द रिजल्ट द मिडिल क्लास पीपल द एफर्ट्स वेड एंड आर्लीयस एसोसिएशन वॉस ज्ञान प्रदयनी सभा ये सभा बनाया गया आनंद राम ढेक्याल फुकोन और गुनाविनम विनम बोरुआ ने अठारह में यानी जब सिपाही म्यूटिनी उधर चल रही थी आनंद राम ढेक्याल फुकोन स्ट्रॉगली अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ बंगोली लैंग्वेज इन स्कूल्स एंड कॉलेज एंड ऑफिस एंड कोर्ट्स ऑफ असाम इन नाइनटीन क्योंकि असाम के स्कूलों में असाम के ऑफिसिस में बेंगोली भाषा यूज करने लगे क्योंकि वही बंगाली ब्रिटिश ऑफिसर्स को पहले बंगाल से उठाकर असम में लाए जिसके प्रति उनका आकर्षण होता गया कल्चर भी आकर्षित होता गया लोग भी आकर्षित हो गए भाषा भी आकर्षित होते गए और बंगाली को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दिया गया था कॉन्सिक्वेंटली देर हैड बीन अ हीटेड डिबेट इन द प्रेस इन द प्रेस रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ असामिस लैंग्वेज एंड री एस्टेब्लिशमेंट इन द स्कूल्स एंड ऑफिसर्स दोबारा असामिया भाषा के पुनर्स्थापना के लिए uh, स्कूल्स और ऑफिस में कोशिश करते गए दिस मूवमेंट ऑफ असामिस लैंग्वेज इवेंचुअली टुक द ग्रोथ ऑफ़ द कल्चरल कल्चरल रिजनरेशन ऑफ असाम एंड इट वॉज ओनली इन एटीन सेवेंटी थ्री अट्ठारह सौ तिहत्तर में असामी भाषा को दोबारा स्थापना की गई री एस्टाब्लिश किया गया असाम में सो so, कलकत्ता में उसी समय असमिया स्टूडेंट असमिया स्टूडेंट जो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने देखा कि असमिया भाषा की रक्षा करने के लिए उनको आगे बढ़ना होगा तो फर्स्ट नोन ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बनाई इट वॉज असमिया और असामिस लिटररी सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1872 सेवेंटी टू अंडर द लीडरशिप ऑफ देवीचरण बोरुआ एंड गंगा गोबिंद फुकन दे प्रोक्लेम्ड दैट देर दे ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द सोसाइटी वॉज लिटररी एंड येट इट ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स ये पहले जब ऑर्गेनाइजेशन बनी ये केवल कहा कि ये लिटरेरी एक्टिविटी करेगी लेकिन बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी लेने लगे अट्ठारह में दो इलास्ट्रेस लीडर्स लाइक जगन्नाथ बोरुआ और मानिकचंद्र बोरुआ ऑन बिहाफ ऑफ द सोसायटी सबमिटेड मेमोरेंडम टू द वाइस राइड लॉर्ड नोट ब्रुक अपीलिंग टू टेक द नेसेसरी स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आसम एंड लिंकिंग असाम विद बाय रेलवेज आसाम को बंगाल के साथ रेलवे से जोड़ना, आसाम के नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना डेवलपमेंट करने के लिए जब उन्होंने आवेदन किया लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक को तब ही जाकर बंगाली कल्चर और ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि वहाँ पर बंगोली हाई ऑफिस ब्रिटिश ऑफिसर लेकर आए थे So with the growing attacks to the Assamese language and the Bengali press, the Assamese students in Calcutta felt that in the need to organize the association and to enrich the Assamese language and literature. Calcutta me Bengali newspapers me uh, Assamese bahasa ke prati attack hone laga bahasa ko uh, hind dikhaya gaya. Ye वहाँ में पढ़े Assamese जो बच्चे थे students थे ऑर्गेनाइज लीडर्स थे उन्होंने सोचा भाषा की रक्षा करने उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा फिर उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया अट्ठारह सौ अट्ठासी में एटीन एट्टी एट में असमिया भाषा उन्नति सदनी सभा एंड इट वॉज सो मिच्योर एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक हेमचंद्र गोस्वामी लक्ष्मीनाथ बेस बोरुआ कनकलता कनकलाल बोरुआ रामाकांत बोरुआ रामाकान्त बोरकाकु चंद्रकांत चंद्र कुमार अग्रवाला ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने स्टेप उठाया इन्होंने केवल आंदोलन नहीं की केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया इन्होंने भाषा की उन्नति के लिए लिटरेरी एक्टिविटी भी किया जैसे कि उन्होंने साइंटिफिक बेस फॉर द असामिस लैंग्वेज द सभा टू के इनिशियेटिव टू एडोप्टिंग द एडोप्टिंग द करेक्ट एंड स्टैंडर्डाइज ग्रामेटिकल सिस्टम इन ऑल द वर्णकड़ा स्कूल्स ऑफ असम असाम के सभी प्रादेशिक स्कूलों में जहाँ पर भाषा असामिस थे वहाँ पर असामिस ग्रामर को पढ़ाया गया उसके साथ साथ असम कल्चर के साथ साथ असम के इतिहास को भी बढ़ाने के लिए स्कूलों में असम की हिस्ट्री को ऐड किया गया साथ ही संस्कृत के सभी इंपॉर्टेंट वर्ग्स और श्लोक्स को असामिस में ट्रांसलेट किया गया ताकि आसामिस भाषा के और भी उन्नति हो स्प्रेड हो असमिया भाषा उन्नति सदनीय सभा का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर देखा जाए तो वो माना जा सकता है द अंडर द पब्लिकेशन ऑफ हेमचंद्र बोरवा हेमचंद्र बोरवा का एक मैग्नम ओपस है मैग्नम ओपस मतलब लिटरेरी लिटरेचर में अगर कोई एक बड़ा अचीवमेंट बिगेस्ट काम करे तो बिगेस्ट वर्क इन लिटरेरी बिगेस्ट वर्क इन लिटरेचर बोल सकते हैं तो हेमचंद्र बोरुआ का एक बिगेस्ट वर्क इन मैग्नस अपोस था हेमकोश उसका पब्लिकेशन करवाया गया असमिया भाषा उन्नति सदनी सभा यूज टू तो होल्ड द रेगुलर स्कॉलरली डिस्कशन इन द वेरियस सब्जेक्ट लाइक असामिस असामस हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर लैंग्वेज इन सभी चीज़ों में लगातार स्कॉलरली डिस्कशन होने लगा और सभी जगह पर काफ़ी बहुत सारे जगह पर इनके ब्रांचेस खोले इन ब्रांचेज के सभी नाम को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया अबूस यानी असमिया भाषा उन्नति सदनी सभा अबुस ने कोहिमा और जोरहाट में 3G का नया बड़ा एस खोला तो कैसे याद रखें कोहिमा एंड जोरहाट में 3G जी यहाँ पर तीन जी है देख सकते हैं आप ग्वालपड़ा गोलाघाट गुवाहाटी 3G का नया नौ से नौगांव बड़ा से बोरपेटा एस से शिवसागर टी से तेजपुर डी से डिब्रूगढ़ तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट में उसको याद रख सकते हैं इन सभी जगहों पर उन्होंने नया ऑर्गेना ऑर्गेनाइज के ब्रांचेस खोले सो so, उन्हीं में से द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ असमिया भाषा उन्नति सदनी स्वभाव वॉज द पब्लिकेशन ऑफ देयर जर्नल जुनाकी जुनाकी से ही अलग एक वीडियो मैं बाद में, में बनाऊंगा जुनाकी एज के ऊपर जुनाकी एज के ऊपर तीन सवाल पूछा जाता है एक सवाल पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति ऑफ जुनाकी कौन है हेमचंद्र गोस्वामी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ चंद्रकुमार कुमार अग्रवाला ये तीन लोगों ने मिलकर असम में जुनाकी एज का प्रारंभ किया और वही जुना की एज था जो आसामिस लिटरेचर और आसामिस कल्चर का स्प्रेड तभी से होने लगा असम एसाम में असामिस भाषा आसामिस कल्चर आसामिस बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी एक्टिविटी बढ़ने लगा आगे बढ़ने लगा विद द रिच हिस्ट्री ऑफ पास्ट इतिहास गौरवमय था उसके साथ साथ वर्तमान के नए भारत में आसामिस कल्चर को आसामिस भाषा को आसामीस संस्कृति को और ज़्यादा इन्होंने त्रिमूर्तियों ने आगे बढ़ाया सो so, यहाँ पर हम आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं असामी भाषा उन्नति सदनी सभा अबू का असम या कल्चर और भाषा में बहुत ही बड़ा योगदान था भाषा की उन्नति और उसके स्प्रेड के लिए सो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड यर थैंक यू योर टाइम अगर थैंक यू फॉर योर टाइम अगर अच्छा लगे तो डू शेयर एंड डू कमेंट हैव अ ग्रेट डे